पुला गांव में गया था पंडित जी के यहाँ काम करने, और उन्होंने 7 महीने तक काम करवाया, जब पैसे नहीं दिए, यहाँ तक कि जबकि मेरी बेटी बहुत बीमार हुई थी सर, तभी उन्होंने पैसे नहीं दिए। जब हमने पैसों का जिक्र किया तो उन्होंने हमारा कलर पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर निकाले जी कि यहाँ कोई पैसा नहीं है तुम्हारा। पर आज भी जी जब गाँव से धमकी आ रही है, जो मेरे साथ और लोग थे दो काम करने, उनको गाँव से घर से बाहर निकाल रहे हैं जी। अभी मामा की कॉल आई थी कि बांजा मुझे बचा लो, हमें कहाँ जाएंगे बाल बच्चों के साथ, सब कुछ बाहर भगा दिया उनको गांव से। और कल मेरे गांव में भी मेरे मम्मी पापा को बहुत धमकाया जी गांव वालों ने, यहाँ आओ या तो ये केस रफा दफा करो या नहीं तो गांव से बाहर जाओ, हम गांव में नहीं रखेंगे तुम्हें। कितने समय तक तुम्हारे को जड़ोराम में रखा था? 7 महीने तक रखा जी। कोई पैसा दिया आपको? एक भी पैसा नहीं दिया भाई। और जाते थे कहते थे कि क्या बोलते हमारे हिसाब दे दो, फिर वो कहते थे धमकाते थे मेरे भाई औरों को कि तुम्हारा कुछ भी नहीं पड़ा रखा अभी, और ऐसे ही धमकाते थे बहुत ज्यादा। अच्छा जी। और जब हम और के साथ काम कर रहे थे, फिर उस दिन मैं घर पे थी, उन्होंने कॉल की कि क्या बोलते हैं हमने पुलिस थाने से लिखवा के लाया है नीचे त्यूनी से, अगर तुम और के साथ जाओगे चाहे मैं कुछ भी करूँ तुम्हारे साथ, तो मैं क्या बोलते हैं तुम्हें कुछ भी मतलब बोलनी, मतलब पुलिस वाले भी बोला कुछ नहीं बोलेंगे हमें, हम बोला कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ जी। मैं उनके घर जाती थी साफ सफाई करने, फिर वो बदतमीज करता था मेरे साथ, गंदी नजर से देखता था मेरे को, और फिर मेरे को डर लगता था उनसे। और फिर मैंने अपने पति के पास बोला कि ये ऐसे ऐसे बोला मेरे को, फिर हम घर आए रात को भाग के आए हम। किनके घर? आपको बता दें संवैधानिक संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुमार के निजी आवास में पत्रकार वार्ता के दौरान ग्राम कुल्हा के एक व्यक्ति द्वारा विगत 7 माह से बंधुआ मजदूरी कराने का आरोप है। बंधुआ मजदूरी करने वालों में एक नाबालिग भी शामिल है। मामला सामने आने पर दौलत कुमार ने पीड़ितों को साथ लेकर SSP से शिकायत की है। SP ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। नराया निवासी मनीष पुत्र गोराड़ू राम ने शिकायत में कहा है कि 8 माह पूर्व उसकी बड़ी बहन स्मार्टा मंदिर में गई थी, वहां पर उसको एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति ने उसके बहन से कहा कि उसको बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता है, उसके पिता एक सेब का बगीचा बनाना चाहते हैं जिसके लिए अच्छी दिहाड़ी और रहने की व्यवस्था भी है। उसके बाद मनीष और उसकी पत्नी आरती देवी गेमा दास ग्राम पंजिया, अंजू पुत्री गेमा दास, यशपाल दास पुत्र भक्तुलाल, जयपाल दास पुत्र गोराड़ू दास, नराया ममता पुत्री गोराड़ू दास ने करीब 6 माह तक आरोपी के बगीचे में काम किया। पीड़ितों का आरोप है कि घूमने आई एक नाबालिग लड़की को भी आरोपी ने जबरदस्ती काम पर लगा दिया। आरोपी द्वारा महिलाओं से अपने घर पर सारा काम कराने का आरोप भी लगा। पीड़ितों ने SSP से शिकायत के दौरान बंधुआ मजदूरी करने के समय बंजर भूमि के 400 गड्ढों को बनाने का भी जिक्र किया। सूत्रों के हवाले से भी पता चला है कि पीड़िता कुल्हा से प्रातः सुबह 4 बजे छोटे बच्चों को लेकर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर त्यूनी पहुंचे। ममता नामक महिला ने आरोपी व्यक्ति पर छिड़कानी और अश्लील हरकत करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन लोगों ने इनका दमन कर रखा है, ऐसी कुप्रथा बंधुआ मजदूरी जैसा महापाप इनसे कराया गया। 7 महीने तक रात दिन किस तरीके से अपनी जान बचाकर यहां पहुंचे, और आज 27 तारीख से 26 जनवरी पूरे देश ने राम ने इनको इसको देखा, ये खाना खा रही थी तो कहा ये कौन है कि जी हमारी भतीजी है कि इससे काम करवाओ, इतने बड़ी से हम फ्री में थोड़ी खाना खिलवाएंगे, इससे देखिए आप बाल मजदूरी करवाई गई। कहां सो रही है मित्र पुलिस कप्तान साहब, कहां सो गए? अब उस दिन तो उन्होंने ये कहा था कि बस आप पहुंचिए मुकदमा दर्ज होगा, इनकी सुरक्षा की जाएगी। मुझे लगता है कि इनकी जान खतरे में है, यदि अब कोई बचा सकता है इनको तो आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप कृपया इनकी मदद कर दीजिए, इनकी आवाज उठा दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया से हमें उम्मीद नहीं है, गोदी मीडिया इनकी बात उठा ही नहीं सकता। हाँ, एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इस संबंध में SO ट्यूनी को जांच दी गई है और जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अभी जांच प्रचलित है, जैसे ही जांच कंप्लीट होगी तो उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपियों का कहना है कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाँ, इस संबंध में जानकारी की जा रही है, अभी जानकारी जब तक बयान नहीं होंगे, बयान हो जाएंगे जैसी, उसके पश्चात जैसा भी सही पाया जाएगा उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा।
जो हमारे देश में यहाँ आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और जो है बेटियों को और महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत सारे योजनाएं भी चलाए जाते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के भी नारा दिया जाता है, उसके बावजूद हमारे जौनसार बाबर के जो सुदूर क्षेत्र हैं वहां पर इस तरह की घटना होना एक हमारे लिए भी एक हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा जो है शर्मनाक ये है। ऐसे में जो है अब देखना होगा कि हमारे इन जो बेटियां हैं इनको जो है कब तक इंसाफ मिलती है।